नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। वर्तमान समय में एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि द्रौपदी के पांच पति थे। क्या वाकई पांच पति थे? चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। पिछले कई दिनों से बहुत सारे युवा भी कह रहे थे कि इस विषय पर वीडियो बनाओ। दरअसल आजकल युवा पुस्तक तो पढ़ते हैं नहीं, वो केवल महाभारत टीवी में देखते हैं और जैसा दिखाया जाता है वैसा ही मान भी लेते हैं। आजकल लगभग सभी टीवी सीरियल्स में यही दिखाया जाता है कि द्रौपदी के पांच पति थे, उसके पीछे बहुत सारी कहानियां तैयार कर देते हैं, मनगढ़ंत कुछ भी। जैसे एक ये कहानी है कि जब अर्जुन द्रौपदी को जीत कर ले आता है, उसकी माता कुंती बिना देखे ही कह देती है कि जो लाए हो आपस में बांट लो। लेकिन क्या यह सच है? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। ये घटना उस समय की है जब पांचों पांडव लक्ष्य ग्रह के बाद छुपे छुपे घूम रहे थे और उसके बाद द्रौपदी स्वयंवर में पहुंचने वाले थे। द्रुपद के नगर और उसकी चार दीवारी को देखकर पांडवों ने उस समय एक व्यक्ति के घर में अपने रहने की व्यवस्था की। विचार करिए कि जब अर्जुन ने लक्ष्य को भेद कर लिया था, तब युधिष्ठिर नकुल और सहदेव को लेकर चले आए थे, जैसा कि लिखा भी है। उस समय लक्ष्य वेद के पश्चात जब महान कोलाहल बढ़ने लगा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ युधिष्ठिर पुरुषोत्तम नकुल और सहदेव को साथ लेकर निवास स्थान अर्थात जिस व्यक्ति के वहां वो रुके हुए थे, अपनी माता के पास कुंती के पास पहुंच गए। पांडव जब स्वयंवर सभा में गए, तब उनकी माता कुंती की क्या दशा थी, इस पर ध्यान देना चाहिए। वे ऐसे लगते हैं जैसे पूर्णमासी तिथि को मेघों की घटा से निकलकर चंदा और सूर्य प्रकाशित हो रहे हो। इधर भिक्षा का समय बीत जाने पर भी जब पुत्र नहीं लौटे, तब उनकी माता कुंती देवी स्नेहवश अनेक प्रकार की चिंताओं में डूबकर उनके विनाश की आशंका करने लगी। कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्रों ने पांडवों को पहचानकर उनकी हत्या कर डाली हो, अथवा दृढ़ता पूर्वक वैर भाव को मन में रखने वाले महाभयंकर मायावी राक्षसों ने तो कहीं मेरे बच्चों को नहीं मार डाला। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि माता कुंती पुत्रों के बिना बेचैन थी, घबरा रही थी, चिंता में पड़ी हुई थी। इस कारण उनके मन में भांति भांति की आशंकाएं उठ रही थी। सोचिए, जब महाभारत आदि पर्व अध्याय 187 श्लोक 26 के अनुसार युधिष्ठिर जी नकुल और सहदेव को साथ लेकर आ गए थे, तब उन तीनों को आते देखा और उनके साथ भीम और अर्जुन को ना देखकर माता ने यह नहीं पूछा होगा कि तुम ही क्यों आए हो, वे दो कहाँ हैं, वे क्यों नहीं आए। मनोविज्ञान की गहराइयों में ना जाया जाए तो साधारण बुद्धि से भी प्रत्येक मनुष्य इसको अनुभव कर सकता है कि ऐसी स्थिति में माता उनसे बिना पूछे रह नहीं सकती थी, इसलिए उन्होंने अवश्य ही पूछा होगा। यदि उनकी माता ने पूछा होगा तो किसकी बुद्धि यह नहीं कहती कि युधिष्ठिर जी और नकुल सहदेव ने स्वयंवर में हुई सफलता की बात न बताई होगी और यह न बताया होगा कि स्वयंवर सभा में भीम और अर्जुन अभी रह गए हैं, वे शीघ्र ही आ जाएंगे। अथवा किसकी बुद्धि में आता है कि सत्यवादी धर्मात्मा युधिष्ठिर ने स्वयंवर की बात न बताकर यह झूठ बोल दिया हो कि वह दोनों भिक्षा मांगते रह गए। प्रत्येक बुद्धिमान समझ सकता है माता अभी पूछने भी ना पाई होगी, उससे पहले ही पुत्रों ने वह परम प्रसन्नता और हर्ष का समाचार माता की प्रसन्नता के लिए अवश्य सुना दिया होगा। ऐसी स्थिति में माता को भिक्षा का भ्रम होना सर्वथा अस्वाभाविक है। स्पष्ट है कि माता कुंती के नाम से यह मिथ्या बात बनाई गई है। यहाँ एक बात और भी विचार करने योग्य है कि स्वयंवर की वह शर्त पूरी कर दी जो द्रौपदी के भाई दुष्टदुम्बर ने स्वयंवर की सभा में कही थी। तब लक्ष्य वेद करते ही द्रौपदी का विवाह तो अर्जुन के साथ नहीं हो गया था, फिर द्रौपदी को अर्जुन के साथ द्रुपद महाराज ने क्यों भेज देते? विवाह तो पीछे ही होना था और द्रुपद महाराज के भवन में ही होना था, और आगे भी यही लिखा है, राजा द्रुपद का वह भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को कमल आदि से सजाया गया था, वह एक ओर सनाई खड़ी थी, दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल नक्षत्रों से युक्त आकाश की भांति विचित्र शोभायमान हो रहा था। युवावस्था से संपन्न राजकुमार पांचों पांडव वस्त्र अलंकार से विभूषित और कुंडलों से अलंकित अभिषेक और स्वस्ति वचन आदि करके बहुमूल्य वस्त्रों और केसर चंद्रादि से सुशोभित हुए। पांचों साथ मिलकर इसका उपभोग कर लो, इस झूठ के लिए ही यह सारी मिथ्या कहानी बनाई गई है। यदि थोड़ी देर के लिए इस सर्वथा मिथ्या बात को मान भी लिया जाए कि राजकुमारी होती हुई भी द्रौपदी पैदल पांडवों के पीछे पीछे चली आई थी, तो क्या भीमसेन और अर्जुन के साथ अकेली द्रौपदी ही थी या फिर और भी कोई लोग थे? लिखा तो यहाँ यह है कि मरग चरम को वस्त्र के रूप में धारण करने वाले ब्राह्मणों से घिरे होने के कारण भीमसेन और अर्जुन बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पा रहे थे। उसी समय दिन के तीसरे पहर में बादलों से घिरे हुए सूर्य के समान ब्राह्मण मंडली से घिरे हुए अर्जुन ने वहां उस कुमार के घर में प्रवेश किया। इन वाक्यों से स्पष्ट है कि अर्जुन अकेले ना थे, उसके साथ ब्राह्मणों की भीड़ थी। इतनी भीड़ के साथ आए हुए अर्जुन को भिक्षा मांगकर लाया हुआ समझना यह समझ नहीं आ सकता, और विशेषकर उस अवस्था में जबकि माता को पता ही था कि आज मेरे पुत्र स्वयंवर में गए हैं भिक्षा के लिए नहीं, और इसीलिए कुंती को दुर्योधन
द्वारा किए जाने वाले अनर्थ की आशंका थी। अब कुछ लोगों ने मिलावट करके देखो श्लोक का क्या बना दिया है, उसका अर्थ देखो इस प्रकार किया है। उस समय कुंती देवी कुटिया के भीतर थी, उन्होंने अपने पुत्रों को देख बिना ही उत्तर दे दिया, भिक्षा लाए हो तो तुम सभी भाई मिलकर उसे खा लो। तत्पश्चात द्रौपदी को देखकर कुंती ने चिंतित होकर कहा, हाय मेरे मुंह से बड़ी अनुचित बात निकल गई। यहाँ पर भी उसे अपने कहीं पर अफसोस हो रहा है, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि कुंती यह जानती और मानती है मेरे मुख से अनुचित बात निकल गई है। मिलावट करने वाले ने यह भी नहीं देखा कि वो क्या बोल रहे हैं। देखो उसमें क्या बोला है कुंती ने, उसे जो भी आप लाए वो खा लो। खा लो का तात्पर्य तो यहाँ समझ नहीं आता, कोई खाने की वस्तु तो थी नहीं जिसको खाया जा सकता था, तो ये पूर्णतः मिलावटी है। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर द्रौपदी का विवाह किसके साथ हुआ था। मैं आपको बता दूं, द्रौपदी का विवाह महाराज युधिष्ठिर के साथ हुआ था। अब आप सोच रहे होंगे कि जीत कर तो अर्जुन लाए थे, फिर विवाह युधिष्ठिर के साथ कैसे हुआ, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ। महाराज युधिष्ठिर अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, तुमने द्रौपदी को जीता है, इसलिए तुम्हारे साथ ही इस राजकुमारी की शोभा होगी। शत्रुओं का सामना करने वाले वीर तुम अग्नि प्रज्वलित करो और अग्निदेव के साक्ष्य में विधि पूर्वक इस राजकन्या का पानी ग्रहण करो। उत्तर देते हुए अर्जुन ने कहा, हे महाराज, मुझको आप अधर्म का भागी ना बनाइए। बड़े भाई के अविवाहित रहते छोटे भाई का विवाह हो जाए, यह धर्म नहीं है। ऐसा व्यवहार तो अनार्यों में देखा गया है। पहले आपका विवाह होना चाहिए, तत्पश्चात मेरा विवाह, तत्पश्चात नकुल सहदेव विवाह कर सकते हैं। राजन, भैया भीमसेन, मैं, नकुल, सहदेव, हम सभी आपकी आज्ञा के अधीन है। अतः यह अनार्यों का कार्य करा के मुझे अधर्म का भागी ना बनाइए, यह आर्यों का धर्म नहीं है। तो महाराज अर्जुन ने भी मना कर दिया था विवाह करने के लिए, इसलिए विवाह महाराज युधिष्ठिर के साथ हुआ था। देखो भाइयों, आप असली महाभारत पढ़ो, टीवी सीरियल्स में जो दिखाया जाता है उसको सच मत मानिए, क्योंकि उसमें अच्छा दिखने के लिए, एंटरटेन करने के लिए वो कुछ भी दिखा देते हैं, जिससे लोग बाग एंटरटेन हो जाते हैं, आनंद मिल जाता है, लेकिन वो सत्य नहीं है। जो भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा कि द्रौपदी के 5 पति नहीं थे, एक ही पति था, वो थे महाराज युधिष्ठिर। अब आपको कोई कहे तो आप उसे बता देना, अगर कोई कहे क्या प्रमाण है महारानी द्रौपदी का पति महाराज युधिष्ठिर थे, तो वो उसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ।